रोल रोलिंग रोलिंग नया साल नए रेजोल्यूशन और प्रेरणा की लाइफ में कोई नया नया है वो है विराज। तो कैसा लग रहा है विराज बनके, मतलब कसौटी पे उतर के? बहुत एक्साइटिंग रहा है, बहुत अच्छी शुरुआत रही है, वेरी हैप्पी विद द टीम, बहुत वार्म वेलकम भी मिला है। सो एक्साइटेड, और नया साल है, नई शुरुआत है, ग्रेट स्टार्ट। क्या लग रहा है अब, मतलब कितने ट्विस्ट और पूरे टर्न से भरा हुआ होता है हमेशा कसौटी, तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब जो स्टोरी लाइन चल रही है उसमें? मेरा तो अभी शुरुआत ही हुई है, तो अभी थोड़ा काफ़ी सॉफ्ट और स्वीट स्टार्ट थी, बट अब थोड़े थोड़े ड्रामा आना शुरू हुआ है और विराज उसका पार्ट बनना शुरू होंगे। आगे देखते हैं क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स प्लान किए गए। मतलब क्या दिमाग में क्या चल रहा है विराज के, किस तरीके से एंट्री हुई है, क्या मन में लेके आया है? विराज का तो आते ही उनकी शादी का रिश्ता आ गया था, अनुराग शादी का रिश्ता आ गया था प्रेरणा के लिए, और दोनों ने हाँ भी कर दी थी। बट अब तिलक हो रहा है एंड प्रेरणा थोड़ी खोई खोई सी लग रही है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है कि ऐसा क्या चल रहा है यहाँ पे। फिलहाल तो तिलक सेरेमनी हो रही है, तो क्या पहना है खास? जो हमारे स्टाइलिस्ट ने दिया है मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। बट कपड़े कसौटी में, एज यू नो, उनका लुक इज ऑलवेज रियली गुड। सो और मेरे फिट के कपड़े हैं, मेन बात वो है, लंबा हो तो बहुत मुश्किल होती है रेडीमेड कपड़ों में। सो दे गिव मी सम वेरी नाइस क्लोथ्स। डांस वांस होने वाला है, मतलब पूरा? मैं थोड़ा नर्वस हूँ डांस में, हमेशा नर्वसनेस ही होती है, बट स्लो डांस है तो वो करा हुआ है दूसरे शोज में, सो होपफुली अच्छा कर देंगे। लेकिन हमने इंस्टा पर देखा है, आपने एक वीडियो भी अभी फिलहाल पोस्ट हुआ है, वो उस प्रैक्टिस लगी है, और हमें टीवी में इतना टाइम मिलता नहीं, आज सुबह हमने प्रैक्टिस करी और जब परफॉर्म करना पड़ता है वो तो डांस क्लास है, और उसमें मैंने आपको मैं बता नहीं सकता मैंने घर में कितना प्रैक्टिस किया, तब जाके वो वैसा लगा है, और तब भी मैं खुश नहीं था, बट ठीक है। बट ये स्लो डांस मैंने काफ़ी कुछ करा हुआ है दूसरे शोज में, सो आई थिंक होपफुली ठीक कर लेंगे। बात करें प्रेरणा की, तो एरिका के साथ की केमिस्ट्री कैसी जा रही है, मतलब कैसा है एक्सपीरियंस अब तक? पूरी कास्ट बहुत ही वार्म है, बहुत ही वेलकमिंग है, बहुत घुले मिले हुए हैं एंड बहुत ओपनली वेलकम किया है, एंड नॉट जस्ट द कास्ट, द होल टीम, और बहुत मतलब अच्छा माहौल है, मज़ा आ रहा है काम करने में, बिकॉज ये लोग तो बिल्कुल सेट है अपने कैरेक्टर्स में, इन्हें लाइन देखते हैं और इन्हें पता होता है कि क्या बोल रहे हैं, तो मैं थोड़ा इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बाकी सब देव बीन वेरी वार्म एंड वेलकम। न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशंस, तो क्या इस बार क्या सोचा है, 2020 कैसा जाने वाला है? रेजोल्यूशन क्या विश की तरह होते हैं कि बताने नहीं चाहिए वरना सच नहीं आते, आई डोंट नो, बट बस यही सोचा कि अच्छा काम करना है, अब मेहनत करनी है एंड होपफुली बड़ी अच्छी चीज़ें करनी है लाइफ में। अच्छा नमिक, बिग बॉस काफ़ी चर्चा में है, बिग बॉस देख रहे हैं आप? नहीं मैं नहीं देखता, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने एक बार बस बानी के लिए देखा था, तो मेरी फ्रेंड ने, बाकी मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करता, तो आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग। थैंक यू।